हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोगों ने पार्ट बी पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है कल मैंने आपको पार्ट बी के चार चैप्टर करा दिए थे साथ में क्लास अकाउंटेंसी का मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो भी दे दिया था आज मैं तुम्हें क्लास उन पार्ट बी के चार के चार चैप्टर के एम सी यू और दो दो घंटे के बीच में वीडियोस आने वाली है क्लास सुबह की पहली वीडियो है ध्यान से से अच्छे समझना पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टफ लगता है आपको तो बीस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा और आपने पार्ट बी के टी का भी अंडरलाइनिंग नोट्स पढ़ लिया है तो आप बताना आउट ऑफ ट्वेंटी आपके कितने मार्क्स आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फोसाइज ऑन जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस पे ध्यान देता है टर्नओवर को बढ़ाने में एसेट्स एंड लाइबिलिटी को बढ़ाने में इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ और इंक्रीजिंग वोटिंग राइट ऑफ शेल्डर आप अभी भी देख लेना मैंने आपको बताया था अनलाइनिंग करके स्टार लगा के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्लास शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज करता है उस पर एफरसाइज करता है उस पर ध्यान देता है एसपीसी एप में क्लास फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाना उसमें क्लास यू डी ट्वेंटी फोर का फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर है उसके अंदर क्लास आपको एक से लेकर बारह तक एनसीआरडी के नोट्स मिल जाएंगे उसमें चैप्टर नाइन के नोट्स में उठाना और देखना कैपल स्ट्रक्चर उस टॉपिक में मैंने ये ऑलरेडी अंडरलाइन करके दिया है सेम सेम लाइन एनसीआर से उठाई हुई है दूसरा द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेल्स मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शोल्डर वेल्थ और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कस्टमर तो यहाँ पे भी क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी जो एम है वो है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज

चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर तो कैपिटल स्ट्रक्चर का चॉइस कौन सा अफेक्ट नहीं करता फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी करता है गुडविल ये गुडविल वाला नहीं करता तो ये पेयर है क्लास ठीक है आइडेंटिफाई द पेयर तो ये वाला पेयर गलत है क्लास बी पॉइंट जो है डज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क कंट्रोल है आर है और कॉस्ट ऑफ डेट और प्रोडक्श ये सारी चीजें हैं क्लास बी वाला बिल्कुल भी नहीं है सिक्स पॉइंट करेट स्टेटमेंट इन द कंटेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक है सुनो ए सही है तो जहां जहां ए है वही क्लास ऑप्शन बन सकता है जहां ए नहीं है वो ऑप्शन ही गलत है तो अगर आपने ए पॉइंट पढ़ा आपको और कुछ भी नहीं आता इसी तरीके से आप कोई भी एक पॉइंट पढ़ते उसके बेसिस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते बी पॉइंट देखते हैं क्लास क्या होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन

उसको प्रॉब्लम आएगी पक्की बात है एनसीआरटी से सीधा सीधा लाइन उठ के में पूछा जाता है तो दिक्कत आएगी ध्यान रखना इसीलिए जो सीरीज मैंने बनाई है क्लास एनसीआरटी की जिसके लिए कल मैंने चार चैप्टर का वीडियो एक ही दिन में डाला था वो जरूर देखना सारा उससे कवर हो जाएगा एट क्वेश्चन कंपनी इन्वेस्टेड इन हाईली सोफेस्टिकेटेड मशीनरी एक बहुत बड़ी मशीन में क्लास सोफेस्टिकेटेड मशीन में कंपनी इन्वेस्ट करती है आफ्टर कंसिडर फैक्टर लाइक अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न विच एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट इज बिंग रेफर्ड तो ये क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं तो एट का डी ऑप्शन करेक्ट है नाइन डैश इज सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कौन सा होता है जहां पे डेट बढ़ने से क्लास ईपीएस पी बढ़ रहा हो और ये कब होता है क्लास जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस सिचुएशन में डेट अगर बढ़ेगा तो क्लास आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा इसको फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं तो ये रहा क्लास बी ऑप्शन आर जो है कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है इसी कॉस्ट ऑफ डेट को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ठीक है थेके? तो नाइन्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है टेंथ का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग बहुत अच्छे से बताया था क्लास ऑनलाइनिंग करके ब्रिज फाइनेंसिंग कौन सा होता है क्लास कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर को क्लास हम लोग इशू करते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए ठीक है आप मुझे बताना क्लास कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान से सुनो फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ वो कौन सा क्लास इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट है जो फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए क्लास कंपनी इशू करती है बताना क्लास सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट जो कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए करती है कॉमेंट में

मैच करना है क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लोडेशन कॉस्ट द रेट ऑफ रिटर्न कोलाबरेशन लेवल वर्किंग कैपिटल तो क्या होगा क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट का क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है क्लास फ्लोडेशन कॉस्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न आता है फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन साइकिल है फिक्स कैपिटल कोलाबरेशन लेवल यानी ए का फर्स्ट बी का सेकंड सी का थर्ड डी का फोर्थ यानी ट्वेल्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कर सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ऐसा मत सोचना की सर ने हल्के क्वेश्चन ले लिए ये पेपर में आ चुके वो क्वेश्चन है दो के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम ट्रेडिंग रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल देन मैन्युफेक्चरिंग बिजनेस ठीक है मैनुफैक्चरिंग को ज़्यादा वर्किंग चाहिए सही है ये भी ये सही है द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट हायर स्केल रिक्वायर्स लेस हायर स्केल पर ज्यादा वर्किंग कपिल चाहिए इनकेस ऑफ बूम बूम में ज़्यादा वर्किंग कैपिल चाहिए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को क्लास ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए तो सब कुछ उल्टा लिखा है क्लास पहला ऑप्शन ही सही है तो थर्टीन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फोटीन का विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फैक्टर्स अफेक्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ़ करेक्ट तो कौन सा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर पर अफेक्ट करती है तो कॉस्ट ऑफ डेट आर ओ आई फ्लोटेशन कॉस्ट ये करती है क्लास ये तो ठीक है ए सही है क्लास जहां जहां ए नहीं है ना वो ऑप्शन कट कर दो ए सही है बी फ्लोटेशन कॉस्ट अवेलेबिलिटी देखो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है ये क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर का नहीं है ये है क्लास आपका वर्किंग कैपिटल का तो बी गलत है तो जहां बी है वो हटा दो तो ये वाला हटा दो तो बचा क्या बी ऑप्शन तो फोर्टीन क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है यानी कि ए डी डी क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी है और डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी होता है आपको याद हो तो रिस्क रिस्क्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है तो बी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है फ्लेक्सिबिलिटी समझना कुछ अलग है फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रखा आप चेक करो एक बार एनसीआरटी निकाल के मैंने रीड भी करवाया आपको बी ऑप्शन करेक्ट है 14 का फिफ्टीन क्वेश्चन प्रोडक्शन साइकिल किसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल से बोलते हैं टाइम स्पैन बिटवीन रिसीट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इन टू फिनिश गुड्स ए का फोर्थ में श्योर हूँ तो कहाँ पे है क्लास ए का फोर्थ बी ऑप्शन करेक्ट है कितनी जल्दी कितनी आसानी से बना रहे हो क्यों एनसीआर टी पढ़ चुके हो आपने एनसीआर टी पूरा कर लिया सारी चीजें दिमाग में बैठी है कल ही आपने एनसीआर टी बनाया आराम से एक एक सवाल बना लो A का फोर्थ हो गया बी का देखते हैं क्लास क्रेडिट अलाउड

तो बी का फोर्थ तो नहीं हो सकता बिकॉज करेक्ट ऑप्शन में दोनों सी का फोर्थ है तो ये तो पक्का है कि सी का तो फोर्थ ही होगा उसमें तो कोई डाउट नहीं है नेट प्रॉफिट बिफोर रिटर्न टैक्स अपॉन कैपिल एम्प्लॉयड इसको बोलते हैं क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डी का सेकंड तो डी का सेकंड कहाँ पे है क्लास डी का सेकंड कहाँ पे, यहां पे. है यहाँ पे यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है तो इस हिसाब से बी का जो है वो फर्स्ट होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करते हैं अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उसको बोलते हैं क्लास ई अर्निंग पर शेयर तो सेवनटीन uh, का सी ऑप्शन करेक्ट एटीन का

कॉन्सेप्ट कैश फ्लो पोजिशन किस किस के अंदर आता है क्लास कैश फ्लो कैपिटल बस्टिंग डिजन के अंदर आता है कैश फ्लो ऑफ द पोजिशन आता है क्लास यानी कि ए करेक्ट है ट्वेंटी का कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आता है और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में नहीं आता तो ए बी सही है तो जहाँ पे ए बी हो जाए और सी गलत है तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से सी और डी में से कोई एक हो सकता है ए बी सही है अब डी देख लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन तो फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है करेक्ट है क्लास डी यानी सी ऑप्शन करेक्ट है डी तो इसमें है ही नहीं तो ए बी डी ई भी करेक्ट होगा डिवेंट डिसीजन तो ये भी है, सही है मतलब सारे डिसीजन में ऑलमोस्ट आता ही है तो सी का मतलब वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल को छोड़कर बाकी सब में आता है तो ट्वेंटी का भी सी ऑप्शन करेक्ट है तो देखो आपने एनसीआरटी अगर रीड किया है तो बहुत आसानी से आपने क्लास ट्वेंटी क्वेश्चन बना लिए हार्डली फिफ्टीन मिनट्स के अंदर आपने ट्वेंटी क्वेश्चन बना लिया अब आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ट्वेंटी में से आपका कितना स्कोर आया आई नो क्लास इंग्लिश का पेपर है आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए इंग्लिश में लेकिन फिर भी एम छोटे छोटे एमसी्यू से चारों चैप्टर के आज मैं एम करा दूंगा रात तक कोशिश करूंगा आपको एनपीओ भी अच्छे से करा दूँ ठीक है एनपीओ की बहुत डिमांड है आप लोगों की वो भी करा दूंगा आपको बाकी सारी चीजें हम क्लास रिवीजन में कवर कर लेंगे ठीक है तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं नए टॉपिक के साथ रिलन टेक केयर बाय बाय